ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ठीक है। इसमें प्राइमरी साइड में दो लीड मिलेगा, दो टर्मिनल, जिसमें कि सिंगल फेज फेज और न्यूट्रल देते हैं, ठीक है, 240 वोल्ट। उसके बाद सेकेंडरी साइड हो गया ये, जहाँ तीन टर्मिनल दिख रहा है, दो काला एक बीच में पीला। अब ये देखो, ये 909 का अर्थ क्या हुआ कि अगर जी एक सेंटर वाला जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, अब एक किनारे का ब्लैक 9 को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कि कहने का अर्थ ये है कि अगर पीला और एक काला में हम वोल्टेज नापते हैं, अभी नापेंगे एसी में रखकर, तो हमको 9 वोल्ट ये आउटपुट बताएगा, ठीक है। वही दूसरे साइड में फिर हम लोग काला पीला रखते हैं तो 9 वोल्ट बताएगा, ठीक है। तो पीला बीच में कॉमन है, ठीक है, अगर 9 वोल्ट इधर से लेना है चाहे इधर से लेना है, ठीक है, दोनों साइड से एक किलो ठीक है। अब अगर हमको 18 वोल्ट लेना है तो यहाँ से यहाँ बीच सेंटर में कितना 9, फिर यहाँ से इधर 9, तो किनारे किनारे देखेंगे तो हमारा 18 वोल्ट क्या मिलेगा, एसी मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, 240 वोल्ट से 9 वोल्ट या 18 वोल्ट दे सकता है, तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। इधर एसी देंगे तभी ना उधर निकलेगा, हाँ, तो इधर भी एसी निकलेगा, हाँ एसी ही निकलेगा इसमें, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर एसी ही वोल्टेज को डाउन या अप करता है, तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, समझ में गया। जीरो को रिप्रेजेंट करेगा जब भी 909, ठीक है, या यहाँ 12012 भी रहता तो तीन टर्मिनल ही मिलेगा, ठीक है। अगर केवल अगर 90 है तो ये दो ही टर्मिनल मिलेगा, जिसमें कि अपना निकालेगा, हाँ उसमें जैसे कि अगर ये मानो 90 है, ऐसा लिखा हुआ 90, तो केवल तुमको दो टर्मिनल मिलेगा और दो टर्मिनलों के बीच हमको 9 वोल्ट एसी सप्लाई मिलेगा, ठीक है। पीला वाला काटा देंगे तो हमको 9 का 18 वोल्ट मिल जाएगा। जब 909 रहेगा तब तो पीला को हटा देंगे तो हमको 18 वोल्ट मिलेगा। मतलब इस ट्रांसफार्मर से हमको दो ऑप्शन मिलता है, 9-18 वोल्ट भी ले सकते हैं और 9 वोल्ट भी ले सकते हैं, समझ में आ गया, ठीक है। अब है ये है 5408, ठीक है, इसका देखोगे यहाँ पे लिखा है 5408, ठीक है। तो इसमें देखोगे ये वाइट कलर का जो बना हुआ है पट्टा, वो कैथोड है, और ये बाकी बॉडी जो काला का है वो एनोड है। अब क्या होता है, इस ये अर्धचालक में आता है, सेमीकंडक्टर डिवाइस। अब यहाँ पे क्या होता है, ये कब काम करेगा कुचालक की तरह, कब काम करेगा, मतलब कहने का अर्थ है कि चालक की तरह, दोनों का गुण है, इसलिए अर्धचालक कहा गया है। तो जब हम यहाँ पे काला साइड में पॉजिटिव सप्लाई देंगे और वाइट साइड में नेगेटिव सप्लाई देंगे तो इस पे से करंट बढ़ेगा, लेकिन डायरेक्ट हम लोग सप्लाई पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं देते, क्योंकि ये सब शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। तो इसलिए यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोग बाहर साइड में एक साइड में लोड लगाकर हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसमें अगर हमको अब देखना है कि हमको अगर इसमें हमको हाफ वेव रेक्टिफायर बनाना है तो हमारा पहले हम लोग को लेना क्या है, हमको 9 वोल्ट चाहिए या 18 वोल्ट चाहिए। अगर 9 वोल्ट चाहिए तो हम लोग इसी दो का यूज करेंगे और इसके किनारे इसको छील कर, किनारे वाले को छील कर इसमें छीलो, इसको पहले छीलो, और सब नाम पे फेल चढ़ा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके एनोड साइड को हम लोग इसके टर्मिनल किनारे वाले से कनेक्ट करके इसको इस पर लपेट देंगे, ठीक है। अब अगर हम लोग इसके बीच अगर वोल्टेज मापेंगे डीसी में, अब चूंकि ये डायोड बन गया तो ये रेक्टिफायर हो गया, हाफ वेव रेक्टिफायर, तो हम लोग अगर पीला और एक काला के बीच में देखते हैं तो हमको कितना मिलेगा वोल्ट, 9 वोल्ट से कुछ कम मिलेगा, 9 वोल्ट ही नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ ड्रॉप करेगा ये डायोड, ठीक है। अब वही हम किनारे किनारे में लेंगे, ठीक है, तो हम लोग को 18 से कुछ कम मिलेगा, ठीक है।
हाँ उसके आसपास मिलेगा, 17-15 के आसपास मिलेगा। ऐसे तो ये 0.75 वोल्ट के आसपास इस वोल्टेज ड्रॉप करता है, इसको हम लोग बाद में चेक करेंगे, ठीक है, कि कितना वोल्टेज दे रहा है उसमें, ठीक है। तो ये कौन सा बन गया, हाफ वेव इलेक्ट्रिक, ठीक है, एक डायोड का यूज किया गया।